गरीबों की मदद अगर हम नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? डॉक्टर हुस का विचार। हमें गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी मदद हम नहीं करेंगे तो आखिर उनकी मदद कौन करेगा? ये वाक्य हैं डॉक्टर हुस यानी डॉक्टर हुज़ैफ़ा खुराकीवाला के, जिन्होंने ब्लिसफुल इंडिया सोशल वेलफेयर ट्रस्ट से पुरस्कार प्राप्त करने के बाद ये बातें कहीं। डॉक्टर हुस वॉकहार्ट फाउंडेशन के ट्रस्टी और CEO हैं। वॉकहार्ट फाउंडेशन पूरे देश में ज़रूरतमंदों के लिए परोपकारी और कल्याणकारी कार्य कर रहा है। डॉक्टर हुस के इन उल्लेखनीय कार्यों की वजह से उन्हें सम्मानित किया गया। So thank you for the award and it is for the social work which Wockhardt Foundation has done and thank you for this award and I thank the organizers. क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें हमेशा गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं सहायता करेंगे तो उनके लिए कोई भी नहीं होंगे। इस सम्मान के मिलने के बाद डॉक्टर हुस ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दरअसल वो ज़रूरतमंदों की सेवा इन सिद्धांतों पर अमल करते हुए करते हैं, जैसे मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। जो चीज़ें आप दान में देते हैं वो कई गुना होकर आपके पास वापस आती हैं, और गरीब कभी भी आपसे दया नहीं चाहते, वो मदद चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने पूरे विश्व में चलाए जा रहे पीस कीपर्स मूवमेंट के बारे में भी लोगों को जानकारी दी, जिसमें 7 पीस वैल्यूज बताई गई हैं जो हर दिन के अलग महत्व को बताती हैं। बेसिकली वी आर इन चैरिटी, सो बेसिकली आई विल से अ फ्यू कोटेशंस एंड प्रोवर्ब्स इन देयर। वन इज सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, दिस इज वन ऑफ द प्रोवर्ब्स। एंड देन अनदर प्रोवर्ब इज व्हाट यू गिव इन चैरिटीज कम्स बैक टू यू मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स ओवर। And the last proverb I would like to say is that the poor don't need pity, they need help. Yeah, all right. Thank you very much. Thank you. And sir, I'm also going to talk about the goodwill ambassadors that you have, where every day they believe is a day for love, sacrifice, is a day to do something for humanity and the humanity values that you have. Yes, please, I want everyone. So we have a World Peacekeeper Movement. It is on Facebook. And there are 2 million peacekeepers on that. And they have 7 peace values. That is gratitude, forgiveness, love, humility, giving, patience and truth. So every peace value stands for one day of the week. So gratitude is Monday, forgiveness Tuesday, love Wednesday. So today is Saturday. Today is the day of patience. So our peacekeepers, they wish each other happy Patience Day. And these are the 7 human values. So if you give some good human value to the other human being around you, in return you get more inner peace. By the law of karma, if you give human value, you get inner peace. And if more of humanity has inner peace within themselves, then the world peace has a greater chance. So this is the world peace moment. Dr. Hus ka saaf taur se kehna hai ki jab tak logon mein aatmik shanti nahi rahegi, tab tak samaj mein puri tarah shanti nahi aa sakti. अगर आत्मिक शांति मिल गई तो इससे विश्व में शांति स्थापित करने में आसानी होगी। So I thank, I would like to thank the organizers for inviting me over here. And it's a very good thing that they are recognizing the awards and recognizing the talents over here. And we require people to be recognized and all. And thank you for inviting me here. And I'm very happy our local foundation advisory member, Sam Chalota, is here. ब्लिसफुल इंडिया सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का ये कार्यक्रम शनिवार को अंधेरी ईस्ट के एक होटल में आयोजित किया गया था, जिसमें समाज में उल्लेखनीय सेवा करने वाली कई बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर फिल्म, TV, फैशन और समाज सेवा से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी। सैफ सेलिया के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।